ओके सो लास्ट क्लास हम लोगों ने काफी सारी चीजें कवर करी हैं। वी स्टडीड अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्या होते हैं, वो कहाँ से आते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स क्या है। हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस में फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनकी कॉमर्शियल यूज क्या है, मेडिसिनल यूज क्या है, वो पढ़ा। इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी अ लिटिल बिट मोर अबाउट मेडिसिनल यूज। मैंने लास्ट क्लास में हमने थोड़ा जल्दी जल्दी में पढ़ाई किया था गाइस, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ह्यूमंस को कैसे हेल्प करते हैं। सो दिस क्लास लेट्स फोकस अ लिटिल बिट मोर ऑन दैट टॉपिक कि हाउ आर दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्पिंग अस। ओके एंड देन वील स्टडी अ लिटिल बिट अबाउट हाउ वैक्सीन वर्क्स। ठीक है, वैक्सीन कैसे काम करता है। Do you all remember the white blood cells, red blood cells, platelets, plasma? याद है क्या है ये white blood cells, red blood cells? What are these? This is the blood that we have in our body to. Yes, but what are they part of? किसका part है ये सारा चीज? Digestion. No. Red blood cells, white blood cells. Asma already gave me the answer. Plasma, platelets. A lot of you. Arfa, tell me. Heart, ma'am. White blood cells, red blood cells. You guys don't know. Who knows? Manan knows. Alfia, kisko pata hai? Hamare naso mein kya chalta hai? No, ma'am. Ma'am, blood. You guys don't remember components of blood. Yes, ma'am. Red blood cells. Yes, ma'am. We have. We studied about blood, na? Last year, जब हमने seventh class में पढ़ा था, हमने देखा था blood के parts होते हैं red blood cells, white blood cells, white platelets, है ना? उसमें से इन सब में से आज हम white blood cells के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे. मतलब book में इतना नहीं है, but मैं समझाऊंगी आपको कि होता क्या है. ठीक है? सबसे पहले गाइस टेल मी विच बैक्टीरिया इज यूज्ड फॉर मेकिंग कर्ड ऑन द चैट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम अ फ्यू एंटीबायोटिक्स, कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम बोलो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती हैं। पढ़ा है आप लोगों ने ऑलरेडी, हु रिमेंबर्स आई वांट टू। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, प्लीज बी ऑन म्यूट। बैक्टीरिया जो दही बनाने के लिए यूज होता है उसको कहते हैं लैक्टोबैसिलस, और कुछ एंटीबायोटिक्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, ऐसी वाली चीजें। इवन कोवैक्सिन एंड कोविशील्ड जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनते हैं। मैम, आई कांट सी योर स्क्रीन। ओके, आई विल शेयर अगेन। इन टुडेज क्लास आई विल टेल यू अ लिटिल बिट अबाउट एंटीबायोटिक्स क्या होती है, वैक्सीन कैसे काम करती है, और ये दवाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती कैसे है। ठीक है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, सो स्टे विथ मी यू गाइस। एंड कुछ डिजीजेस आप लोगों ने ऑलरेडी लिस्ट किया, डेंगू, मलेरिया, पोलियो, चिकन पॉक्स, टाइफॉइड, टीबी। वेरी नाइस, यू गाइज रिमेम्बर दिस। जिनको याद नहीं है, हम लोगों ने ये ऑलरेडी किया हुआ है नाउ इन क्लास। यस मैम, वी टिक कर सुनो। यस, यू हैव ऑलरेडी मार्क्ड दीज थिंग्स। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छे से यू हैव डन। कॉमर्शियल यूज यानी मार्केट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के क्या प्रोडक्ट हम बेच सकते हैं, एल्कोहल, वाइन और विनेगर यानी एसिटिक एसिड हम बेचते हैं मार्केट में। और यहाँ पे लैक्टोबैसिलस लिखा है, जिनको नहीं पता जस्ट टेक अ लुक। लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। ऑल ऑफ यू प्लीज रिपीट, लैक्टोबैसिलस। और यही बैक्टीरिया जो है वो चीज और पिकल्स बनाने के लिए भी यूज होता है। और यीस्ट जो है, यहाँ पे एक और बैक्टीरिया है जो यीस्ट लिखा हुआ है यहाँ पे यीस्ट के बारे में। यीस्ट क्या करता है, डोसा, इडली, इसमें जो बैटर बनाते हैं उसको फर्मेंटेशन के लिए यूज होता है। मैम, दिस आल्सो नो राइस। राइस में यीस्ट नहीं वो यूज करते हैं। यीस्ट कहाँ यूज होता है, यीस्ट हम लोग अल्कोहल बनाने के लिए, देखो यीस्ट अल्कोहल वाइन बनाने के लिए। यस, कैन यू सी दैट, अल्कोहल वाइन एंड ब्रेड, डोसा, ये सब बनाने के लिए हम यीस्ट यूज करते हैं। ठीक है, इफ यू गेट क्वेश्चन लाइक व्हाट आर द यूजेस ऑफ यीस्ट, then you can write all this. Yeast is used to make alcohol, wine, bread, dosa batter, idli batter. Okay? तो उसमें हम yeast use करें। Perfect.
All right, next, medicinal use of microorganisms. So now stay with me, but because this is going to be information heavy, okay, then we will have some activity. So you have to listen carefully in order to do that activity. Okay, we are going to do mind mapping today. So please listen very, very carefully. Now guys, yahan pe ye wala jo paragraph hai. So basically, jo human, microorganism and us wala jo topic hai, उसमें हमारे पास 7 चीजें लिखी हुई हैं कि फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉमर्शियल यूज क्या है और ब्रेड और दही बनाने के लिए यूज होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटीबायोटिक्स या मेडिसिन के लिए यूज होता है. देन वी हैव अ फ्यू मोर थिंग्स लाइक वैक्सीन क्लीनिंग द एनवायरमेंट. इन सब चीजों के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमंस को हेल्प करते हैं. तो टुडे वी आर फोकसिंग ओनली ऑन गुड गुड थिंग्स. Okay, nice drawings I have made for you. Okay, today we are focusing on good good things. In next class we will focus on harmful microorganisms. कि वो कैसे हमारे लिए गलत चीज़ करते हैं, मतलब बीमारी फैलाते हैं. Now I told you that microorganisms जो हैं उसको हम use करते हैं antibiotics बनाने के लिए. यहाँ पे आपके antibiotics का, if you just take a look at this topic, there are some examples: streptomycin, tetracycline, erythromycin. ओके, सो आप लोग के जो सीनियर्स थे आपसे, आपके अभी जो नाइन्थ ग्रेड है, दोस पीपल जस्ट कुड नॉट प्रोनाउंस दीज नेम्स, बट आई एम सीइंग दैट आप लोग ये प्रोनाउंस कर पा रहे हो. ठीक है, सो इट इज जस्ट स्ट्रेप्टोमाइसिन टेट्रासाइक्लिन एरिथ्रोमाइसिन. ठीक है, यू हैव टू रिमेम्बर एटलीस्ट दीज थ्री एग्जाम्पल्स. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस, एंटीबायोटिक्स मतलब बायो मतलब लाइफ. ठीक है, आई एम गोइंग टू ब्रेक दिस वर्ड डाउन. Antibiotic. तो आपने biotic, abiotic factors याद है आप लोग को? Environment biotic factors होते हैं, abiotic factors होते हैं. Yes. Yes. Biotic मतलब living या non-living? Living. Living. Abiotic मतलब? Non-living. Non-living. तो biotic चीजें मतलब जो भी living चीजें, हम biotic हैं, animals. और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बर्ड्स सब बायोटिक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी बायोटिक है. एबायोटिक मतलब हो गया आपका वॉल टेबल हवा सनलाइट, वो सब एबायोटिक फैक्टर्स है. नाउ बायोटिक मतलब आपको पता है लाइफ. एंटी मतलब उसके, उसको खत्म करने वाली चीज. ठीक है, यानी लिविंग थिंग्स को मारने वाली चीज. तो अगर आप बीमार पड़ जाते हो, यस, जैसे कि वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सारी बायोटिक चीजें, उनको मारने वाली चीजों को एंटीबायोटिक्स कहते हैं. एंटीबायोटिक्स मतलब मेडिसिन, वो ह्यूमंस को नहीं हार्म करते हैं. जैसे अगर हम लोग को पॉइजन दोगे तो हम मरेंगे, तो जैसे ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का पॉइजन है. नाउ ये बनता कैसा है, इट्स नॉट कि आप पॉइजन खा रहे हो. ठीक है, सो द सोर्स ऑफ दीस मेडिसिन्स, आई एम गोना रीड इट आउट, लिसन केयरफुली, आई एम गोना शो यू वीडियो, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. आपको डिटेल में याद नहीं रखना है, आपको बस दिमाग में इमेजिन करना है कि ये वर्क कैसे करता है. ओके, सो नाउ मेडिसिंस में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा मेडिसिंस, हम जैसे कोरोना वायरस का एग्जांपल लेते हैं, आई एम गोना शो यू वीडियो ऑन कोरोना वायरस नाउ. ओके, सो जो कोरोना वायरस है उसके लिए, उसको मारने के लिए हमें दवा चाहिए. हैव यू एवर हर्ड ऑफ दिस थिंग कि स्नेक का पॉइजन निकालने के लिए वही स्नेक को लेके आके वापस से डसवाते हैं समथिंग? यस, एग्जैक्टली, जस्ट लाइक दैट. तो अगर किसी चीज को मारना है तो हम उसी चीज का यूज कर रहे हैं. ठीक है, सो बेसिकली, प्लीज गो ऑन म्यूट एवरीबॉडी. सो व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ इज दीस मेडिसिंस बेसिकली दैट वी आर मेकिंग, दोस मेडिसिंस आर मेड अप ऑफ किल्ड और मरे हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म. बेसिकली यहाँ पे लिखा है कि मेडिसिंस क्या करते हैं, ये जो मारने के लिए यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, या फिर उनकी ग्रोथ को रोक देता है. ठीक है, ये एंटीबायोटिक्स का फंक्शन ये है. ठीक है, कि वो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार रहा है या उनको ग्रो करने से रोक रहा है. और यहाँ पे एग्जाम्पल्स यू डन, एंटीबायोटिक्स हम लोग एनिमल्स के लिए भी यूज करते हैं ताकि इन्फेक्शन ना हो. पोल्ट्री यानी चिकन एंड लाइफ स्टॉक मतलब काउज एंड इन सब लोगों को, जो फार्म एनिमल्स होते हैं, उन लोगों की बीमारी ना फैले उसके लिए भी उनको भी एंटीबायोटिक्स खिलाया जाता है. नाउ हाउ डज इट एक्चुअली वर्क, सो नाउ वी आर लुकिंग एट वैक्सीन. ठीक है, सो बेसिकली यू अंडरस्टूड मेडिसिन क्यों यूज होता है, ताकि हम अपने बॉडी के अंदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार सकें.
उसके लिए, और इसका सोर्स भी हमने लिखा है कि उसका सोर्स यानी वो मिलता कहाँ से, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलता है ना, कैसे मिलता है, ठीक है ना, वी आर लुकिंग एट कैसे मिलता है. टेक अ लुक एट दिस पैराग्राफ ऑफ वैक्सीन वाला, इफ यू हैव योर बुक ओपन दिस. नाउ हियर इज द फन पार्ट. तो ये लोग क्या करते हैं ना, साइंटिस्ट लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लेते हैं, जैसे एनवायरमेंट में जैसे कोविड है, कोरोना वायरस को लिया इन लोगों ने, उसको मार रहे हैं, उसमें कुछ केमिकल्स डालते हैं ताकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो मर जाए, मर जाए. लेकिन कैसे, जैसे मान लो आप उसको कोई चीज पॉइजन खिला रहे हो, जैसे हमको पॉइजन खिलाओगे, हमारी बॉडी इंटैक्ट है, हम अंदर से, हमारी बॉडी का सिस्टम अंदर से खराब हो रहा है, बट बाहर से वी आर लुकिंग द सेम. यस यस मैम. नाउ इमेजिन इफ यू आर हैविंग एन एक्सीडेंट एंड यू आर डाइंग, देन योर हाथ पैर और समथिंग इज ब्रोकन, देन दैट इज नॉट लुकिंग एग्जैक्टली लाइक यू. बट इफ यू आर हैविंग अ पॉइजन एंड देन यू आर डाइंग, देन आप अंदर से, आपके बॉडी के अंदर वाला पार्ट मर रहा है, लेकिन बाहर से आप एकदम सेम दिख रहे हो. सो जस्ट लाइक दैट साइंटिस्ट क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को दे आर टेकिंग, उनको कुछ ना कुछ केमिकल्स डाल के उनको या तो किल कर रहे हैं, डेड कर रहे हैं, या फिर वीक, कमजोर कर रहे हैं, ठीक है, उसको वो लोग कमजोर कर रहे हैं. नाउ ये जो डेड और कमजोर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बाहर से वैसे ही दिखेगा, जैसे कोविड है वो ऐसे ही दिखेगा बाहर से, क्योंकि वो अंदर से मरा हुआ है, ठीक है, लेकिन वो बाहर से ऐसे ही एकदम सेम टू सेम उसकी बॉडी वैसे ही दिखेगी. फिर क्या कर रहे हैं ये लोग, सो बेसिकली अभी जस्ट टेक अ लुक एट द पिक्चर दैट आई ड्रॉन फॉर यू. एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो एक ह्यूमन के अंदर चला गया और वो बीमार हो गया, ठीक है. अभी इसकी जो बॉडी है, हमने व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ा है, हमारी बॉडी में जैसे, ओके नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू वन मोर सिचुएशन. इमेजिन दैट आप मार्केट में चल के जा रहे हो, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस, इमेजिन आप मार्केट में चल के जा रहे हो, ओके एक लड़का या कोई छोटा बच्चा आता है, कोई भी बच्चा आता है, आपको एक मुक्का मारेगा, आप क्या करोगे, जोर से दे आर हिटिंग यू, डायरेक्टली You will ask what? One by one. I will ask them why you hit me. You will ask why you hit me. Boys, what will you do if somebody come and hits you? They will be directly hit them. I also. जब मारोगे उसको पकड़ के तुम, है ना? कोई तुम्हें मारेगा, तुम भी मारोगे ना? तो just like that, हमारे जो white blood cells हैं body की, ठीक है? तो वो white blood cells, मान लो कि ये इन्फेक्शन को मारने के लिए, जैसे ही देखा हमारी बॉडी को कोई अटैक कर रहा है, ये लगे तू क्या कर रहा है, इधर आ इधर आ, मैं भी मारूंगा तेरे को, ठीक है. आप बताओ मार्केट में अभी ये बच्चा तुम्हें कभी भी दिखेगा, तुम उसे याद रखोगे? यस मैम. यस मैम. यस यू विल रिमेम्बर दिस चाइल्ड्स फेस, नेवर गोइंग टू फॉरगेट, ठीक है. यस यू विल नेवर फॉरगेट इट. उसके बाद से जब भी ये बच्चा मार्केट में, इधर आ मैं मारता हूँ तेरे को, इधर आ, है ना, whenever you see, you will hit that child, or maybe you will remember that child. So यही हमारा white blood cells, यही काम करता है. Yes, what is your doubt? Ma'am, now see, you told that if that bacteria come in our body, we will get like fever or something. But from that bacteria, how we have to like aware, ma'am? उसे दूर, how to be बचना उससे? We don't need bacteria only. Clean up file. Not possible. There is bacteria all around. That is just not possible. ठीक है? One second ना? One second. I'm just sending a message. Ma'am, मेरे पर dark web चला था, ma'am. Okay, don't worry about that. I don't want to talk about dark web or anything. Okay, guys, listen now. So basically, Umesh, I will answer your question towards the end. Okay, let's keep that towards the end. तो हमारी body में जो white blood cells हैं, वो यही काम करती है. एक बैक्टीरिया आया, उसने हमारे ह्यूमन को अटैक किया, उसकी बॉडी के अंदर अटैक कर रहा है, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, वो आके इस बैक्टीरिया को मारेगा, ठीक है. वो बैक्टीरिया मर गया, अभी वो याद रखेगा कि ये बैक्टीरिया खतरनाक है, ये बीमारी करेगा. तो वो कैसे याद रखेगा, मेमोरी में. वो मेमोरी कैसे बनाता है, एंटीबॉडीज की तरह ऐसे, ठीक है. वो बेसिकली व्हाइट ब्लड सेल्स एंटीबॉडीज हमारे शरीर के अंदर बनाएगा, ताकि ये एंटीबॉडीज याद रखेंगे अब से कि ओके ये वाला जो वायरस है या ये जो बैक्टीरिया है, ये बीमारी करने वाला है, ठीक है. तो अभी हम लोग फिर ठीक हो जाएंगे, कोल्ड कफ जैसे छोटी मोटी चीजें, हम फिर ठीक हो गए, ठीक है. नेक्स्ट,
अगर हम वैक्सीन दे रहे हैं जैसे कोरोना वायरस, अभी हमें कोरोना वायरस जो हो गया उनमें इम्यूनिटी आ गई. डिड यू हैव यू एवर हर्ड ऑफ दिस वर्ड इम्यूनिटी? यस मैम. तो ये बेसिकली I heard this word in like ma'am in TV ads that boost ma'am. Immunity booster. Yes. तो ये होता है इम्यूनिटी बूस्टर. इम्यूनिटी बूस्टर आपके व्हाइट ब्लड सेल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है सो दैट इट कैन हिट दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अच्छे से. सो नाउ इन वैक्सीन्स, हाउ इज वैक्सीन्स वर्किंग? नाउ कोरोना वायरस इज वेरी वेरी डेंजरस. वी कांट एक्सपेक्ट कि हम सब लोग कोरोना वायरस से बीमार हो जाएंगे तभी हमें इम्यूनिटी आएगी, है ना? दैट्स नॉट अ गुड थिंग बिकॉज कोरोना वायरस इज वेरी वेरी डेंजरस, राइट? सो वॉट इज हैपनिंग नाउ इज दैट वी आर the scientists are killing those bacteria. वो bacteria को या virus को या जो भी चीज़ है उसको मार रहे हैं. They are killing it. Guys, I want somebody to turn their videos on. I don't like this black screen on my this thing. I will do, ma'am. Yes, I will do. You don't lie to me. Don't talk to me like this. Manan, thank you so much. I want a few more, 2-3 more people to turn their videos on. All right. So this vaccine is a dead or weakened microorganism. वो बॉडी में डाल देते हैं वो लोग उसकी बॉडी, मतलब बेसिकली वो वायरस जो है वो दिखने में सेम है, वो कुछ हार्म नहीं कर सकता क्योंकि वो मरा हुआ है. वो हमको बीमार नहीं करेगा क्योंकि वो मरा हुआ है, लेकिन व्हाइट ब्लड सेल्स है उनको लगेगा कि ये कुछ अटैक करने आया, वो उसको मारेगा, उसको याद रखेगा फिर, ठीक है? उसके No, it is dead. The white blood cells ko to kha liya. That will be safe, no us. That yes, we'll be safe. If white blood cells is... If white blood cells is... White blood cells will be stay, no. Not, yes, white blood cells are there in your body every time. Okay? Not win means? Not win means then you will become bimar. Some people are still getting COVID, no? इवन आफ्टर वैक्सीन, मतलब उनकी इम्यूनिटी कम है, मतलब उनकी व्हाइट ब्लड सेल्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है? अगर नहीं जीता व्हाइट ब्लड सेल्स लड़ाई करने में, देन यू विल बिकम बीमार. मैम, फॉर मेकिंग दैट स्ट्रॉन्ग व्हाइट सेल, मैम, व्हाट वी हैव टू डू, लाइक मैम, व्हाइट सेल हमारे बॉडी में आना. ओके, यू हैव टू ईट अ लॉट ऑफ आयरन वाली चीजें, पालक, ये सारी चीजें खानी पड़ती है. यू हैव टू ईट हेल्दी. आयरन मतलब लोहा नहीं, पालक वाले जैसे मिनरल्स होते हैं ना, विटामिन्स, मिनरल्स वाली चीजें, इम्यूनिटी बूस्टर. लीव्स, भाजी. हाँ जी, ओके. नाउ दीज डाउट्स वेट. ओके गाइस, डू वन थिंग ऑन द चैट बॉक्स. सो जस्ट गिव मी 2 मिनट्स. ओके, सो दिस डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज एंटरिंग द बॉडी. लिटिल ह्यूमन इज नॉट सिक, बट व्हाइट ब्लड सेल्स एक्टिवेट हो गए, उसने इसको मार दिया और अपने याद भी रख लिया कि ओके फायदा भी हुआ ना, इंसान बीमार भी नहीं हुआ और व्हाइट ब्लड सेल्स ने अपना काम भी कर लिया और हमारे बॉडी में ये जो चीजें एंटीबॉडीज बन गए जो याद रख रही है कि ये ऐसे दिखता है कोरोना वायरस, ठीक है? नेक्स्ट टाइम जब भी एक्चुअल कोरोना वायरस, एक जिंदा वायरस, आप वायरस या बैक्टीरिया जो भी चीज है वो आपके बॉडी के अंदर आएगा, सो योर बॉडी विल ऑटोमेटिकली, इट इज रिमेम्बर्ड दैट थिंग, सो इट विल गो एंड अटैक. दैट्स हाउ आप बीमार होने से बच रहे हो. Okay, do one thing on the chat box. Please give me a fist to five on how much did you understand this topic as of now. Yes. One second, I'm staying from starting, okay? कॉस्ट्यूम पहन लिया अपना और ये व्हाइट ब्लड सेल के पास. Starting the one more time. Okay, wait. After this, I'll put.
So that's it. Okay, perfect. Thank you. All right. So now when I ask you, what is the importance of microorganisms or how are microorganisms useful? All these underlined, जो भी आपने किया है, आपने already, you've written all these things down in your notebook. You can take a screenshot in 5 seconds. 5, 4. Done, ma'am. 3. Okay. Alfia, you're on screenshot duty today. Okay. You're going to be sending these. Done. All right. Then you admin it, maybe. I will change that. Okay. Now take a screenshot of this also. Please write these underlined things in your notebook. This drawing you don't have to do. I just drew it aise aapke liye for fun. If you want to draw, you can draw. Okay? I will draw, ma'am. Perfect. See, यहाँ पे कुछ diseases के भी नाम लिखे हैं. Cholera, tuberculosis, smallpox, hepatitis, all these things. ठीक है? Next. Next, what we are going to do is just they've told you a little bit about a few diseases. Manan, pay attention. I want you guys to turn your videos on quickly. At least 2 or 3 of you. Okay, ma'am. I will do. Yes, I know you won't. Come on, guys. Alia, Asma, Aisha, Asfia, Mehak. Ma'am, turn your videos on. At least for 5 minutes. Ma'am, have you heard of? Then I will only. Mehak Khanum, thank you so much, sweetheart. Okay, guys, do you remember when you were kids, you used to go for polio wala program? Aapke haath mein polio ek ink laga dete the, they used to give you polio drops. जिसमें मरा हुआ पोलियो कॉज करने वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो था, तभी आप लोग अभी इम्यून हो, तभी आप लोगों को पोलियो नहीं है. ओके, नेक्स्ट, देयर वाज अ डिजीज कॉल्ड स्मॉल पॉक्स. इट वाज समवॉट लाइक चिकन पॉक्स बट वाज और भी ज्यादा डेंजरस. ओके, एंड दैट टाइम ऐसे जैसे हमारे कोविड की वजह से सो मेनी पीपल हैव डाइड, नो, जस्ट लाइक दैट स्मॉल पॉक्स हैड किल्ड सो मेनी पीपल वेरी वेरी पुराने जमाने के टाइम पे. ठीक है, सो क्या हुआ, स्मॉल पॉक्स के ऊपर एक वैक्सीन बना एंड पूरे वर्ल्ड में सबको बहुत सालों तक वैक्सीनेशन दिया गया और उस तरह से स्मॉल पॉक्स, देयर इज नो मोर बीमारी लाइक स्मॉल पॉक्स. It has been eradicated. Eradicated मतलब खत्म हो गया वो बीमारी, अभी किसी को नहीं हो सकती है. Because everyone in this world is immune from smallpox. Okay? आपके parents से मिला होगा ऐसे. Ma'am, that's why put polio. Yes, that's why we put polio vaccine and that's why people are saying take coronavirus wala vaccine so that we all can be immune. Okay, so this is how your vaccines work. Now that you've understood this, there's a last, some topic is there. I will take 5 minutes to explain this and then we are doing an activity. Okay, so okay. Now I told you there are 7 topics, microorganisms. Ma'am, can I read? Us. No, I'm not going to ask you to read because I want to explain this quickly. Because there's an activity in which you will be doing your own self-work, okay? So, 7 topics that I told you already. First 4, aap logo ne yahan pe dekha. Okay, these are the 4 topics. 4 plus vaccine is this 5th topic. Okay, ye pura page vaccine ke upar hai. And then 6th and 7th topic. Okay, ma'am, to isme... that also take screenshot. Yes, please take a screenshot of this also. All right. So, okay, ma'am. Perfect. Alfia is on screenshot duty today. Be on mute, everybody. Alia, darling, go on mute. Thank you. Okay. So, increasing soil fertility. Now, there are bacteria. Aap logon ne already padha hai. Rhizobium. I'm going to remind you again. Those who remember rhizobium, please give me a thumbs up. Those who remember rhizobium, leguminous plant. Ma'am, we learned last year. Yes, we learned in last year. Manan, Umez, Asfia, Hussein remembers very nice. So roots of leguminous plants. Kuch plants. Ma'am, this also takes screenshot. Yes, darling, of course. Please take screenshot. Ye underlined wali cheeze apne notebook mein likh lo. Okay. Okay. So basically, some plants, unke roots mein kuch microorganisms hote hain. Theek hai? To wo kya karte hain? Atmosphere se nitrogen lete hain. और वो प्लांट के सॉइल में मिक्स कर देते हैं ताकि वो प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स ले सके. इनको कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स.
सो दैट इज हाउ इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, बिकॉज अगर सॉइल में नाइट्रोजन होगा सो योर प्लांट्स विल ग्रो वेरी नाइसली. सो दिस इज वन मोर बेनिफिट of microorganisms. Ma'am, enter once again, I not understand. Okay, somebody else will explain. Who can explain? Raise your hand, please. Manan, can you give it a try? Can I try? Yes, okay. Ma'am, yes. One second. Manan, Alfia wants to try. Alfia, I'm super proud of you. You're pushing yourself to answer. Please celebrate Alfia for that, guys. I want celebrations on your screen. Quickly, again, you've turned your videos on. Some of you turn your videos on. Okay, Alfia, go ahead. Try, please. Ma'am, that soil put mix and plant grows up. Soil mein what is it mixing? Rhizobium. Rhizobium is the name of that organism. But what is it mixing? Microorganism. Okay, as Alfia has given me half answer. Manan, continue. Ma'am, nutrients and microorganism mix. Nutrients नहीं nitrogen. Oh, nitrogen and microorganisms small. So microorganism is only bringing nitrogen from the air to the soil. ठीक है? तो वैसे soil की fertility improve हो रही है. Okay, got it now, Asfia, Mehak. Mehak Khanum is asking me, understood Mehak? Yes, ma'am, understand. Perfect. Okay, next. Cleaning the environment. What happens when something dies in our environment? Who can tell me? Umed, you've raised your hand. Ma'am, what is the mean environment? Environment matlab aapke aas pass wala area, jaisa bahar ja rahe ho, farm hai around. Okay, yes, everything around you. Aapke agar ghar ke aangan mein koi animal plants, yes, like plants, animals. Correct, Husna. Thank you for explaining environment, Husna. Environment has plants, animals, all these things. Ma'am, if plants die, no. You know what? Yeah. I'll do composting. You will do composting. Very nice, Umesh. But what are you doing in composting exactly? Ma'am, we will take out that, ma'am, dry plants, ma'am, like leaves. And yeah, we have to compost like foods, ma'am, like waste foods. Perfect. But where are you doing this compost? Where are you putting all those things? Which, ma'am, in like a pot. Pot, and what is there in that pot? Ma'am, like we need soil. Mitti, ma'am. Mitti. Soil. Soil, yeah. Mein microorganisms hote hain? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Perfect. Ma'am. You guys got the answer. Small. So microorganisms jo hain, aap log agar composting karte ho, to jitne bhi aapke vegetables, fruits ke waste hai ya dried leaves hai, वो अच्छी ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो जाएगा. अगर आप फिर उस मिट्टी में एक प्लांट ग्रो करोगे तो क्या वो बहुत अच्छे से ग्रो होगा? यस मैम. यस मैम. यस, बिकॉज़ इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन मिट्टी. यस, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या कर रहे हैं कंपोस्टिंग में? ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स जो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में, उसको तोड़ रहे हैं, उसको मिट्टी में गला दे रहे हैं, राइट? यस. यस, ओके. So that is what happens whenever anything in the environment is dying. ठीक है? तो microorganisms उसके ऊपर उसको थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा pieces में break down करेगा. अगर आप एक dead body गाड़ते हो तो वो कुछ time बाद skeleton बनेगा कि नहीं? Yes ma'am. Yes ma'am, बनेगा. Perfect. तो वो कौन बना रहा है? मिट्टी में microorganisms are. Microorganism. Yes. And if microorganisms are not there and they are not able to do this, they are not able to clean the environment, then kya hoga? Jhaad, plant not grow. Plants will not grow. Okay, what happens if people are dying or animals are dying? What will happen to their body? Ma'am, we not get nice oxygen. Okay, we won't get oxygen. All right. But what will happen if something... smell, ma'am, very dirty smell. Yes, it will be a very dirty smell. एंड वो डेड बॉडीज अर्थ में ऐसे ही रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होगा. हम डेड बॉडीज के ऊपर रह रहे होते अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते, करेक्ट? सो दैट इज द होल थिंग. यू गाइज नो इट, प्लीज राइट इन योर ओन वर्ड्स. आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, आई डोंट वॉन्ट यू टू बुक याद करके रट्टा मार के लिखने का कोई जरूरत नहीं है. ओके, ऑल यू हैव टू डू इज अंडरस्टैंड इन योर ओन वर्ड्स एंड राइट इट इन योर ओन वर्ड्स. परफेक्ट. यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि प्लांट वेस्ट जो है वो मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. न्यूट्रिएंट्स जो है वो वापस सॉइल में चले जाते हैं ताकि प्लांट्स उसको वापस यूज कर सके.
और डेड ऑर्गेनिक मैटर जो है, जो चीजें मर जाती हैं, उसको भी ये डिसअपियर करने में हेल्प करते हैं, यानी एनवायरमेंट को वो क्लीन कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो वो डीकम्पोज करते हैं डेड ऑर्गेनिजम्स को, तो फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के वजह से जो हार्मफुल और स्मेली स्मेली नहीं होता है, बहुत गंदी स्मेल जो आती है बॉडीज से वो नहीं आता है। सो दैट इज आवर बेनिफिट और हेल्प दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज डूइंग फॉर अस। ओके, नाउ इज दिस क्लियर ऑल 7 टॉपिक्स दैट वी स्टडीड सो फार? यस मैम। इजी? यस मैम। इफ आई आस्क यू व्हाट हेल्प कैन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डू, कैन यू एटलीस्ट राइट 5 पॉइंट्स by yourself without second class who is taking up? Ma'am, we have to write our own options. You can write by yourself. No, you can make your own sentences and write at least 5 yeah, points. Ma'am, in that some spelling is mistake means it's okay. Spelling mistakes you have to learn. Okay, if I mark spelling mistakes then you can learn from it. Okay, so Google and do the spelling mistakes and all. But if I ask you on the spot, tell me 5 uses of microorganisms, will you be able to tell me? Yeah, ma'am. But if we practice properly, we can tell. Yes, you have to practice properly. So in this is 7 points. क्या बनाते हैं microorganisms? किसके लिए use होते हैं? क्या environment clean करते हैं? दही बनाने में use होते हैं? Just remember some 5 points and write it in your own words. Okay. So now what we are doing is we are doing mind mapping. I won't be recording that mind mapping section. I am only going to explain what mind mapping is and I will tell the activity and then I will stop recording. Okay. So mind mapping mein kya hota hai? Aap ek topic lete ho. Hamara topic hai microorganisms and us. So basically what are the uses of microorganisms? That is our subject, main topic. Uske baad uske thode सब टॉपिक्स लिखते हो। सब टॉपिक्स आपके क्या है? ये जो हमने 7 टॉपिक्स ऊपर पढ़े हैं ना, ये वाले, ठीक है। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कमर्शियल यूज, मेकिंग ऑफ कर्ड, मेडिसिनल यूज, ये सारे हमारे मेन आइडियाज हैं, ठीक है। सो हाउ मेनी मेन आइडियाज डू वी हैव? 7 मेन आइडियाज। परफेक्ट। ओके, वी हैव 7 मेन आइडियाज। उसके बाद आता है सब आइडिया। तो आप सब आइडिया में अपने छोटे छोटे वर्ड्स लिख रहे हो कि ओके, नाउ आई एम गिविंग यू एग्जांपल, सो जस्ट टेक अ लुक एट दिस। मैंने ऐसे आप लोगों के लिए एक ग्राफिक ऑर्गेनाइजर दिया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, सब बीच में लिखोगे। बाकी 7 आई हैव लिस्टेड 4 फॉर यू, बाकी यू विल राइट ऑन योर ओन। कमर्शियल यूज का मैंने एग्जाम्पल लिखा है। कमर्शियल यूज में क्या होता है? अल्कोहल बनाता है, वाइन बनाता है, विनेगर बनाता है। मेडिसिनल यूज में आप लोग कुछ एग्जांपल्स लिख सकते हो, जो भी आपके मन में आता है, व्हाट एवर यू फील। आप छोटे छोटे वर्ड्स में, छोटे छोटे सर्कल्स में आपको जितने भी वर्ड्स याद आ रहे हैं आप वो भर रहे हो। ओके, सो नाउ द टाइम इज 11:19 and 11:20। आई एम गोइंग टू गिव यू 10 मिनट्स फॉर मेकिंग द माइंड मैप एंड यू आर गोइंग टू टर्न योर वीडियो एंड शो इट टू मी। आर माई इंस्ट्रक्शंस क्लियर? आई विल आस्क Mehak Khanum, can you please come off mute? Okay, I'm going to stop recording now.